तीसरी इसकी गलती कि जो पुलिस के जवान हैं, जो वहां एक अधिकारी भी हैं, उनको इस तरह पकड़कर बाजू से उनको धक्का दे रहा है, बोल रहा है जाओ फटाफट ये करो कराओ, नहीं तो तुम्हें भी सस्पेंड करा दूंगा, ये करा दूंगा, और उनको ब्लैडी वगैरह गालियां वगैरह भी दी है। इसको ये पता नहीं है कि तेरी कलेक्ट्रेट वो जनता तेरे पीछे 2 मिनट में डाल देगी अगर पुलिस ना हो तो। इतना बड़ा तोप नहीं है कि कलेक्टर वहां पहुंच गया तो तूफान आ जाएगा। तूफान तेरे पीछे वो फोर्स है जो तेरा साथ दे रही है, और उनको भी ब्लैडी वगैरह क्या क्या गाड़ियां वगैरह, ये इसका देखिए। मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, ऐसे इंसान को इतना वायरल करें कि ऊपर तक जाए, और ऐसे लोगों को जो पब्लिक का पैसा लेकर, जिसको पब्लिक की सहायता के लिए बनाया गया है कि भाई वो पब्लिक की सहायता करें, लेकिन ये पब्लिक को काउंट कितने लोग हैं इधर, काउंट करके बोलो सर। उसी वैसे उसी वैसे तो कल मैं सस्पेंड करा रहा हूँ, तुम लोग जो काम कर रहे हो ना अभी, काउंट करके बोलो कितने हैं। चलो वरना तुम भी जाओ उसके साथ। चलो सस्पेंस नहीं हूँ मैं सर, वो आ रहा है। तुम जो भी हो काउंट करके बोलो, आई एम ब्लडी योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ओके, व्हाट इज योर नेम। तुम भी जाओगे उसके साथ, तुम लोग साले ब्लडी यू ऑल आर हैंडिंग ग्लव्स विद दिस पीपल। सबसे पहले आपको आज एक वीडियो दिखाता हूं, यह है अगरतला के कलेक्टर यादव जी। एक शादी में पहुंचते हैं तबातोड़, और कैसे आते ही सबसे पहले इनका सीन देखिए, घुसे हैं, पर्चा फाड़े हैं कि परमिशन शादी की है, 10 बजे बाद की नहीं है। मतलब शादी जो हो रही थी वो 10 बजे के कुछ, मैरिज गार्डन में जो 10 बजे का टाइम है, 10 बजकर कुछ थोड़ा सा टाइम और हो गया था। हालांकि शादी वाले कह रहे हैं कि सर हमने 11:30 तक की परमिशन ली है, पुलिस बाकायदा वहां खड़ी हुई थी, लेकिन एक कलेक्टर महोदय आए हैं और पहले इन्होंने पर्चा फाड़ कर फेंक दिया कि कोई परमिशन परमिशन नहीं। लॉकअप में लेके जाइए। परमिशन इज फॉर मैरिज, नॉट फॉर मैरिज बियॉन्ड 10 PM, ओके। यू पीपल आर एजुकेटेड, पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे, परमिशन नहीं। फिर घुसते ही दूसरा एक्शन इनका, देखो किस तरह पंडित जी को मारा है। तीसरा एक्शन इन्होंने खाना खाते हुए लोगों को, ये देखिए आप साथ के साथ देखते रहे, खाना खाते हुए लोगों को। अरे भगवान, अगर बोलते हैं कि यमराज अगर मौत भी आती है तो वो भी खाना खाने वाले का इंतजार करती है कि जब तक वो लास्ट निवाला ना खा ले उसको लेके जाए, ये भगवान की भी गाइडलाइन है। यमराज तक की जो बोलते हैं उसका टाइम नहीं उगता है, उसका जो चाबुक आता है वो भी रुक जाता है कि रुक जाओ खाना खा रहा है, लेकिन इस पहले बाहर निकलिए, आउट, चलो बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, सभी बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। आपको समझ नहीं आता है कानून नाम की कोई चीज है यहाँ पे, हाँ बाहर निकलिए। जय जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज आपने एक वीडियो देखा होगा, शायद आप तक पहुंच गया होगा कि एक शादी का जो वीडियो है जिसका कलेक्टर महोदय किस तरह अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। शादी को रुकवाने गए कलेक्टर महोदय वहां पंडित को थप्पड़ मार रहे हैं, दूल्हे को गला पकड़कर खींच रहे हैं कि इसको जेल में डालो, दुल्हन को भी कहा गया है कि इसको घसीट के लेके जाओ, उनकी माता पिता को सबको, यानी शादी में खाना खाते हुए लोगों को डंडे मारे गए हैं। मैं मानता हूं कि आज कोरोना की स्थिति भयानक है और कंट्रोल जरूरी है, और ये महोदय कह रहे हैं कि 10 बज चुके हैं, और इन्होंने पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद इन्होंने गाइडलाइन तोड़ी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि
आप कम से कम एक वार्न कर सकते थे या उनको दे सक बोल सकते थे कि भाई 10 मिनट में खाली करो, लेकिन जिस तरह का आपका रवैया रहा है, जो आपने अपने कलेक्टर की पावर का मिसयूज किया है, आप हमारी नजर में सबसे घटिया कलेक्टर हैं आज के दिन। अगर आपको इतनी ही पावर का शौक है, या आप और आपके कलेक्टर हैं उनसे बोलिए कि अभी राजस्थान में जैसे एक विधायक की शादी हुई है जिसमें 500 से ऊपर बंदे थे, क्या राजस्थान में कोई कलेक्टर नहीं है कि उसको जाकर रोके? या ये अगरतला के कलेक्टर हैं यादव जी, इनसे कहना चाहता हूं कि यादव जी अभी चुनाव हुए थे, वहां आपकी पावर सीज करके जेब में रखी हुई थी या कहीं रखकर भूल गए थे? वहां क्यों नहीं हजारों की भीड़ में रैलियों को आपने रोका? अभी परसों ही अंतिम चरण का चुनाव था, क्यों? वहां आपको दिखता है कि ऊपर वाले हैं, बजा देंगे आपकी। और सबसे बड़ा, इन्होंने एक वहीं अपने से नीचे जो अधिकारी हैं उनको इस तरह की गालियां, ब्लडी बास्टर्ड, तुमको डिसमिस कर दूंगा, फलाना, ये तरह की लैंग्वेज। हालांकि उनका जो रवैया था, जब इन्होंने उसको धक्का मारा तो उनकी नजरों से लग चुका था कि वो इन पर कभी भी फट सकते हैं। थोड़ा ढीले तो पड़े हैं, लेकिन अगर वो चाहते तो उसी भाषा में इनको जवाब देते, तो पब्लिक के सामने इनकी इज्जत क्या रहती? आप कलेक्टर बन गए, मतलब कोई तूफान सिंह नहीं बन गए कि आप जाओगे और सबको उखाड़ के फेंक दोगे। आपका पीछे जो सपोर्ट लेके खड़ी है पुलिस खड़ी है, और आप उन पुलिस के जवानों को भी उल्टी सीधी गालियां दे रहे हैं। वो जवान चाहते तो आपका 2 मिनट में इलाज कर देते, वो पीछे हट जाते और वो पब्लिक आपको मार मार के थपेड़े और पागल कर देती। बहुत सी ऐसी शादियां हैं, बहुत सी ऐसी जगह है जहां आप जैसे पिटके आते हैं, फिर पब्लिक देखती है कि देखो पब्लिक प्रशासनिक अधिकारी को पीट दिया, पुलिस को पीट दिया, तो वो आप जैसे लोग ही होते हैं। यहाँ जीवन में एक बार शादी होती है, 10 बजे के बाद अगर 10 मिनट हो गई थी तो आप कम से कम उनको वार्निंग कर सकते थे, या खाली करो को कह सकते थे अपने घर जाओ। लेकिन इस तरह का रवैया आपने जो सबसे घटिया, और पंडित जी आपसे कितने बुजुर्ग हैं जिनको थप्पड़ मार रहे हैं, आप क्या दिखाना चाहते हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कुर्सी आपको कहीं ना कहीं घूस के द्वारा मिली हुई है। आप पढ़े लिखे और माइंडेड होते, जिस बलबूते पर आप वहां तक पहुंचे, पहुंचने लायक नहीं है। कैसे पहुंच गए यह हमें पता नहीं है। वही बोलते हैं कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, तो आप उस गधे की तरह वहां पहुंच तो गए हैं, लेकिन वो लात मारना नहीं छोड़े। एक कहानी थी ना बहुत पुरानी, कि पढ़ा लिखा कर, एक वो आदमी उसको बोलता है, यार इसको पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बता बना देना। तो वो उसको गधे वाली कहानी सुन रखी है ना, यार बड़ा आदमी तो बन गया लेकिन लात मारना नहीं भूला, रहा गधा की गधाई। तो वो है आपका हाल। मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यहाँ मैं पब्लिक को भी कहना चाहता हूँ कि आप जो गाइडलाइन जारी की गई है उन पर ध्यान रखें। इस समय महामारी बहुत ही जोर शोर पर है, शादी में कम से कम लोग जाए, जो गाइडलाइन दी है उनका पालन करें, और खासकर जब बताया गया है कि गार्डनों में दिन में भीड़ न करके अपने घरों पर शादी करें, अपने गाँव में करें, ताकि वहाँ ये चीज कम फैल रही है और वो माहौल भी ऐसा नहीं होता कि वहाँ कोई कहीं से भी आ जाए। सुरक्षित रहें, घरों में रहें, और ऐसे अधिकारी को जिनको पता है उसी पब्लिक के पैसे की पेमेंट ले रहा है और उसी पब्लिक पर जोर आजमाइश कर रहा है, इसको ज्यादा से ज्यादा वायरल करें ताकि ये घटिया कलेक्टर सस्पेंड हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लॉकअप में लेके जाइए। परमिशन इज फॉर मैरिज, नॉट फॉर मैरिज बियॉन्ड 10 PM। ओके, यू पीपल आर एजुकेटेड। पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे। चलो बाहर निकलो, सभी लोग बाहर निकलो, बैंड बाजा बाहर। पुलिस कहाँ है? मास्क गायब बोलो, मारो 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 पहले बाहर निकलिए, आउट। चलो बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, सभी बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। आपको समझ नहीं आता है कानून नाम की कोई चीज है यहाँ पे? बाहर निकलिए। Mario, 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 M
उन लोगों को निकालो, लोग बाहर निकालो यार, जिंदा नाम बोलिए मास्क नहीं है, 10 बजे के बाद कर्फ्यू है यहाँ। किसने परमिशन दिया आपको? नहीं, सर, अरेस्ट करिए सभी लोगों को, अभी लेके जाइए। हम लोग पहने हुए हैं। अरे मास्क के लिए नहीं बोल रहे हम, इनको अरेस्ट करिए। परमिशन टिल 10 PM। अरे सेम ऑल्सो, अरे सेम ऑल्सो, अरे दिस लेडी ऑल्सो, इज ऑल नॉनसेंस, इज ऑल नॉनसेंस यू आर टॉकिंग अबाउट। अरे अरे दिस गाय, अरे दिस गाय ऑल्सो, इन सबको अरेस्ट करिए, लेके चलिए आप लोग, आप अपना काम नहीं करें, चलिए। That's why you are violating. You should be arrested first of all. No. This guy, he is obstructing district magistrate on duty. Arrest him. No, sir. We are not obstructing. Arrest him. 353. Arrest him. Sir, I am filing a complaint. No. Arrest him. Arrest this guy. Take him to lockup right now. Take him to lockup right now. Please, भैया हो या मत बोलिए, जाइए, आप होंगे भाई, जाइए। Tomorrow onwards, Manikya Court and the Gulab Bagan are banned. They will not be allowed to function for next 1 year as marriage halls. All these people who are assembled here, they have violated the order under Section 144 Criminal Procedure Code, and they will be prosecuted under 188 of Indian Penal Code. They will all be arrested right now. And I will also recommend to the government to suspend OC of the West Agartala Police Station, because he has not acted upon repeated complaints of people. And I, as a district magistrate, have to come here. It is very shameful on the part of the police that they have behaved like this. How many people were arrested? Now, they will count. Kitne log hai idhar? Count karke bolo. Sir, OC West, kal main suspend kara raha hu. तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, अभी काउंट कर बोलो कितने हैं, चलो।
वरना तुम भी जाओ उसके साथ। सस्पिशियस नहीं हूं मैं सर, वो आ रहा है। तुम जो भी हो काउंट करके बोलो, आई एम ब्लडी योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ओके, व्हाट इज योर नेम? तुम भी जाओगे उसके साथ। तुम लोग सारे ब्लडी यू ऑल आर हैंडिंग ग्लव्स विद दिस पीपल। काउंट एंड टेल मी, दिस इज माय कमांड एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, काउंट। तीन आदमी कैसे बैठा है लॉकअप में लेके जाओ, इनको चलो चलो उसको बता रहा हूँ। तुम बस व्हीकल का पास है? हाँ व्हीकल पास है। हाँ हाँ पास पास तो नहीं है, पास नहीं है ना। इन सबकी चाबी निकालिए, इन सबकी चाबी निकालिए, गाड़ियों की सबकी चाबी निकालिए। चलिए सबका चाबी निकालिए, सबका निकालिए। अब हमको सिखा देते पुलिस की ड्यूटी कैसे की जाती है। निकालिए चाबी निकालिए, इनका भी निकालिए, इनका भी निकालिए, इनका भी निकालिए। लाइए, इधर लाइए। सीज कर लीजिएगा इनको, ठीक है? सब सर, सर अपनी चले जाते हैं जावर आगे, मैंने साधारण जनों को की बार्ता देवें, लास्ट बार्ता की दीते चाहिए এই ধরনের বিয়ের অনুষ্ঠানে যারা এরকম ভায়োলেন্স ক্রিয়েট করছে। नॉट वायलेंस, वायलेशन। लोग सबई पढ़ा लिखा आछे, एखाने आपनारा देखें डॉक्टर आछे, इंजिनियर आछे, बड़ो बड़ो सेवा करछे, किंतु ओरा आईन मानते चाहे ना, ओरा एरकम व्यवहार करते चाहे जे हमरा किछु करबो हमरा किछु होबे ना। कोविड होबे तो जाके होबे, ओरा मारा जाबे। अनफॉर्चुनेटली इफ दिस इज द एटीट्यूड देन नोबडी इज गोइंग टू विन। कोविड संगे यदि मुकाबला करते होबे, सभी के मिले करते होबे, एवरीबडी हैज टू फॉलो रूल्स, रेगुलेशन, लॉज विच आर मेड। ये नाइट कर्फ्यू जन ने माइकिंग संपूर्ण प्रत्येक रोजे खाने, प्रत्येक 10 मिनट खान थे के गाड़ी जाए, ये सब जो मैरिज हॉल आचे सभी जाने, बट ओरा नोइंगली वायलेट कर छे, दे आर मेकिंग अ मॉकरी ऑफ द सिस्टम। तो एट आज के दिस इज अ मैसेज टू ऑल द पीपल हु आर वायलेटिंग इट नोइंगली, दैट दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड।